थक जाती हूँ खड़े होके, कोई खाना खाए ना खाए मुझे पूरा खाया जा रहा है। अभी होएगा भैया, अब मैं चेंज कर दूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ, मेकअप करते करते कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो ढोल वाले हैं वो आ चुके हैं और हम लोग हो गए हैं बहुत ज्यादा लेट। 3 बजे का टाइम दिया था उन्हें, 3:30 हो गए, मुझे लग रहा है 4:30 बजे तक हम लोग रेडी होंगे। तो यहाँ आज मैं अपना सेल्फ मेकअप कर रही हूँ और उधर भाभी का मेकअप कर रही है लक्ष। तो हमारी भाभी भी आ चुकी है, उधर बैठी है भैया के साथ। ये भाभी कल आने वाली थी रात को भैया को लेने के लिए, पर फिर वो सो गई थी इसलिए आ नहीं पाई, और भाभी ने भांग के पकौड़े खा लिए तो इसलिए भाभी आ नहीं पाई कल। एक बार मैंने खाए थे और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों सो गए थे फिर खा के। ना पागल हो गई थी, चीकू की पहली होली थी तो मैंने भांग बनवा ली थी, कालू भैया ने बना ली थी भांग, तो मैंने पी ली एक ग्लास। उसके बाद पता क्या हुआ, पूरे घर में लाइट जल रही है, मैं कह रही हूँ अंधेरा हो गया, लाइट जलाओ, सारी लाइट नहीं हम तो ना, और कुछ 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 हो रहा है। फिर चीकू के पापा ने मुझे नहलाया नहाने से, फिर थोड़ा फिर मेरे को सुला दिया, फिर जाके थोड़ा ठीक हुई मैं। मैंने कहा भांग का नशा तो सबसे गंदा होता है, भांग नहीं खानी चाहिए। अभी नशा कोई भी हो वो गंदा ही होता है। अच्छा भाभी आप यहाँ पे मेकअप कर रहे हो? हाँ भैया, मेरे को जगह नहीं मिली थी बैठने की ना, मैं थक जाती हूँ खड़े होके, तो सबसे यहाँ मेकअप कर लेती हूँ। पायल भाभी भी खुद ही कर रहे हैं मेकअप? अभी आप भैया खुद ही करना पड़ता है, क्या करें, फंक्शन मारा है ना। अच्छा आप भी कर लो मेकअप। मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। क्या हो गया भाभी, आप तो उधर कर रहे थे अकेले में? भैया मेरे को अकेले में सामान की कमी पड़ रही थी। अच्छा। गाइस पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो गई खाने की, देखो भाभी के लिए हमने ऊपर खाना भिजवाया है, हम नहीं है यहाँ पे, मंगवाया है भाभी। आप समझ गए ना गाइस, आप समझ गए ना, इतने साल हो गए हैं बस। तो गाइस हमारे परिवार में ना कोई खाना खाए ना खाए, पर अनुज जो है टाइम से अपना खाना खा लेता है। मेरा मेकअप हो गया डन, और आप कमेंट करके बताना मैंने अपना मेकअप खुद कैसा किया है। अब मैं बंटी भैया को बुला लेती हूँ, थोड़ा ना कर्ल्स करा लेती हूँ क्योंकि कर्ल्स अच्छे लगेंगे ना। जिस घड़ी के लिए वेट कर रहे हैं वो घड़ी आ गई है, अभी आएंगी हमारी दो भाभियाँ। चक्कर आ जाएंगे बच्चे को, हमें बाद में आएंगे। तो गाइस ये है हमारी संगीत की आउटफिट, और बहुत ही बढ़िया आउटफिट है, भाभी का काउचर ने बनाई है और जबरदस्त आउटफिट है। और ये आउटफिट ना हमने तुक्के में मेजरमेंट दिया था, हमें लग नहीं रहा था कि हमारा मेजरमेंट सही है, बट बिल्कुल बढ़िया है। अब जा रहे हैं हम हेयर स्टाइल कराने, हेयर स्टाइल में ज्यादा कुछ नहीं करा रहे, कर्ल्स करा रहे हैं। तो गाइस भाभी भी हमारी रेडी हो गई है, देख सकते हो लिपस्टिक रह गई है भाभी की, इयर रिंग्स रह गए हैं और बैंगल्स। मेकअप भाभी बहुत अच्छा लग रहा है, लक्ष्य ने करा है मेकअप, हमारे मेकअप आर्टिस्ट लक्ष्य है, एंड थैंक यू लक्ष। तो गाइस अभी मैं पायल को रिंग दे देती हूँ, मैंने पहनी। दीदी दीदी आपके लिए रिंग लाई। अच्छा सेट दीदी, एक एक करके निकालूंगी, पहले मैंने अपने लिए दो रिंग्स निकाली, आपके लिए फिर भी मैं 3 लेके आई हूँ। अब बड़ी लेके आयो ना आप मेरे लिए, क्योंकि आप बड़े हो ना, आपका दिल बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है बड़े बड़े रिंग्स पहनता है, जिसका सबसे बड़ा होता है वो छोटी पहनता है। पायल कड़े आ गए थे, तूने तो वैसे भी फसाना ही थे, चाहे खून निकल जाए पर फसाना नहीं। हाँ बट कड़े तो पहने जरूर हैं, बेबीशर दोबारा नहीं आएगा। तो गाइज मेरे हाथ देखो आज कितने सुंदर लग रहे हैं, डायमंड डायमंड पहना है। भाभी क्या फलवा? अरे भैया मैंने इयर रिंग्स का समझ नहीं आ रहा, कड़े और रिंग का तो हो गया, इयर रिंग्स ढूंढ रही हूँ मेरे लिए और पायल के लिए ना, सेम कुछ सिल्वर में, क्योंकि मैं सिल्वर है ना सब कुछ। पायल मैंने 3 ऑप्शन निकाले, तुझे आकर दिखा रही, रुक जा। पायल देख, एक तो ये वाले है, या तो ये वाले, ये तो कोई पहन नहीं सकता, ब्लैक है, या तो मेरी शादी पे, जो मैंने तेरी शादी पे नहीं पहने थे इयर रिंग्स, मैं वो पहन लूंगी, तू ये पहन लियो, या ये छोटे वाले है ना, यही ऑप्शन है। और मैं सिल्वर ऑप्शन में बताती हूँ, बता। एक ऑप्शन वो ना नहीं है, वो बहुत बढ़िया था, गले का सेट भी है, कान बहुत बढ़िया लग रहा है, गले का सेट भी है, कान का भी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे चेन टाइप है, समझ गई, रोज वो अच्छा लगेगा, वो रोज गोल्ड थोड़ी है, वो रोज गोल्ड है, वो सुंदर नहीं लगेगा, मैंने देख लिया, ब्लैक के साथ, ब्लैक ज्वेलरी अपनी वो सिल्वर है, ब्लैक कंट्रास्ट देख लेती हूँ, कंट्रास्ट करके देखते हैं, मेरी हमेशा चॉइस अच्छी होती है, बता। हाँ कंट्रास्ट अच्छा लगा, इसके मास्क मैंने पहना भी नहीं है सेट ना। हाँ सही बोल रही है। तो गाइस मेरे साथ पोपट हो गया, मेरे को लगा दोनों सेट सेम सेम है, एक के छोटे रिंग से एक के बड़े थे, तो सेट तो सेम है, सेट सेम है, बट कोई बात नहीं, देख पाए छोटे से ही लग रहे हैं, मैं ऐसे बाल खोलूंगी है ना, तेरे बाल लग रहे हैं, तू बड़ी है तू बड़े पहन ले, नहीं मैं वैसे भी बाल पीछे करूंगी ना। ठीक है, बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो फाइनल फाइनल। तो गाइस बहनें बहुत सुंदर लग रही हैं, नजर ना लगे तो हम इनके काला टिक्का लगाएंगे आज। शर्मा रही हूँ मैं, पायल भी शर्मा रही है। हेलो जी, हेलो जी, क्या बात है, गोडे गोडे चा चिकू दी मासी नू, गोडे गोडे चा, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कलर कितना प्यारा है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, थैंक यू। भाभी आप कुछ कहना चाहते हैं? घर में रौनक के आगे पूजा है सुमन भाभी, सुमन भाभी गुड़गांव वाली। हां मुझे पता है, ने हमें एक रिस्पांसिबिलिटी दी है, ये कमरा पूरा क्लीन करके, मेकअप सारा सेट करके, चाबी लॉक करके हमें दे दी। मैंने गाइस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सारा सामान मैं रखाऊंगी, तो शादी वाले घर में अक्सर, सॉरी बेबी शावर वाले घर में अक्सर ऐसा होता है कि चीजें और चार्ज
चार्जर इधर से उधर हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती किसी का सामान इधर उधर हो, सारी चीजें खुवा के रूम लॉक करवा। तो गाइस मेरा काम है बिंदी लगवाना सबको, तो मैंने पहले खुद बिंदी लगाई, फिर मैंने अंदर हमारी जो भाभी है उनको दिया, अमृता भाभी, उसके बाद अब पूजा को बिंदी दे रही हूं, मुझे भी दिया, आपको भी दी, सबको बिंदी दे रही हूं मैं। तो गाइस गर्ल्स को ना रेडी होने में जितना टाइम लगता है ना उतना ही थकान हो जाती है, जितनी देर में रेडी होते ना उतनी देर में थकान हो जाती है। तो अभी मेरे को बहुत ज्यादा थकान हो गई है, लहंगा लूंगा तो पहन लिया है पर ज्यादा देर संभाल नहीं पाऊंगी, थोड़ी देर बाद मैं चेंज कर लूंगी, मैं कह रही हूँ वो बोली पाने वाले ढोल वालों को बुला लो ऊपर, ऊपर ही है भाभी वो तो नहीं सेकंड फ्लोर पे थे, हाँ बुला लो ऊपर, ऑर्केस्ट्रा वाले भी हैं सारा पियानो वगैरह, तो आप मतलब परफॉर्मेंस करोगे भाभी, आप गाओगे जितने भी गाने आपके अभी तक आए हैं ना कुछ रातें, वो सारा लाइव परफॉर्मेंस बनाओगे, मटकी फोड़ दी काले ने, हाँ जी वो सारे नाचूंगी डीजे पे, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आए कि आपने जो मतलब उसमें गाया ना मतलब सबको आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, बच्चे एक्साइटेड हो रहे लात मार रहे हैं कि मम्मी गाना गाने वाली है, मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। और गोलू हो गया तेरा, पहले उसको करने दे, ये भी बीच बीच में छेड़ती है, तो भाभी बस अब लास्ट भाभी बची है, तो भाभी अपना हेयर स्टाइल करा लेती है, फिर हम लोग जाते पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैंने तो सुबह से जो सुबह 8 बजे खाया था एक परांठा वही खाया हुआ, उसके बाद लस्सी पी गई बस। तो गाइस मैं भी हो गई हूँ फुल रेडी, और सिंदूर भी लगा ली, लिपस्टिक भी लगा ली, चुन्नी भी ले ली, पूरी ये फाइनल लुक ली, सही करो भाभी खा लो फिर, क्योंकि ऐसा ना फिर ऐसे बैठना भी, फिर ऊपर चलते हैं, मैं भी कुछ देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, अभी और भूख लग रही है अब मुझे भाभी, सही बिल्कुल एकदम, फाइनली तू तो रहने दे, मैंने तो सुबह से नहीं खाया, मेरे को अब भूख लग रही है, तो भाभी का आपने भाभी का वेट कर रही हूँ, बस 2 मिनट, चलो भाभी बस उनका फ्रेंड रह गया, मैंने आपके साथ खा लिया, मेरे साथ मैंने खाया नहीं अभी। तो गाइस सपना दीदी का फोन आया है चीकू के लिए, क्या टॉय लेके आना, एक्चुअली दीदी को आना तो आज था बट तन्नू के एग्जाम की वजह से ना दीदी आ नहीं पाई, भाभी एक बार चेक करियो, 2 बार लिफ्ट रोकी है मैंने, दोनों बार नीचे चल गई, एक बार रूम चेक करियो, चलो भाई मेरे को लग रही है भूख, अभी 2 बार लिफ्ट रोक चुका हूँ, चल चल चल। तो गाइस हमारे कैमरा मैन ना थोड़ा सा वो भी हमारे साथ ही घूम रहा है लिफ्ट में, देखो बेचारा बटन भी दबा रहा है, जो उतर रहा है उनको उतरने भी दे रहा है, कितनी आपके लिए मेहनत हो रही है इतनी, क्योंकि आप लोग इनको गोल्डन कार्ड मिला है ना, हाँ अभी ये कैमरे के साथ ये 5 बार खाना भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका चलता है, इनको हमने गोल्डन कार्ड गाइस इसलिए दिया है सिर्फ आपके लिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था गाइस, मेरी शादी के टाइम में ना लोग बहुत ज्यादा आ गए थे, तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला था कि जिनके पास कार्ड है उनको खाना मिल रहा है, ये है वो है वो है ये है, तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस, हमारे पहले भी खुला खाना था और अभी भी खुला खाना है। तो गाइस आने वाले 3 महीने के बाद ना हमारी जो टैगलाइन होगी ना वही होगी, हम साथ साथ है, क्योंकि अभी हम 4 है ना, 3 और आने वाले हैं, 4 और 3 7। तो गाइस मॉम टू भी थक गई है, मैं भी सोच रही जाके वो एक जो चेयर दिख रही है ना वहां जाके बैठ जाती हूं, हो इसको ना मेरी कॉपी करनी होती है हमेशा, मैं यहाँ पे आके बैठी की मेरी चेयर मिल गई थी, वो देखो वहां पर भाभी, ये तो देखो कॉपी के लिए चेयर भी रखी थी, देखो भाई किस्मत होती है ना अपनी अपनी बहुत अच्छी है मेरी, जो चाहती हूँ मिल जाता है, लेकिन बैकग्राउंड भाभी बैकग्राउंड आया, बैकग्राउंड एडिट कर देना, पीछे पेरिस का लगा देना, दुबई भाभी ये एमिनेंस में है, मैं पेरिस चपाती, मेरे साथ ना शादी की तरह हो रहा है, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, पता नहीं भाभी मेरे से नहीं हो रहा भैया, मेरा फोन संभालो जरा, मैं खाना खा रही हूँ, शादियों में नहीं होता है, एक जिनकी शादी होती है वो एक कैमरा मैन छोड़ देते हैं कि खाना वाला को कैप्चर करो, है जैसे है रसगुल्ला पूरा मुंह में फोटो आती है रसगुल्ला खाते हुए। तो गाइस लेडीज सारी आ गई हैं और संगीत की तैयारी पूरी हो चुकी है, टीम पूरी इधर रेडी है, अभी आप कहाँ रह गए थे भैया, मैं वॉशरूम गई थी, अच्छा रेस्ट दे दिया है, पानी वानी पी लेंगी, सांस वास ले लेंगी, तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट लिया, अभी बहुत डांस करा, बहुत मजा आया, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट कर करके फंक्शन बहुत लंबा है और बहुत सारा डांस करना है, बहुत सारी मस्ती करनी है। तो गाइस नानी बहुत लेट आई है, पता नहीं कहाँ पे थी, सारा प्रोग्राम नानी बच्चों को देख रही थी, बच्चे सही है नहीं, अच्छा नीचे से देख रही थी, अच्छा अभी
इतना डांस करने में दोबारा भूख नहीं लगी? रुको पानी पी लो, भूख लग गई। क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं, थकावट हो गई बहुत ज्यादा। तो भूख तो लगी होगी भाभी इतना नाच? भूख तो मुझे कम, आपको ज्यादा लग रही है। नहीं मुझे मैं तो नाच रही हूं। भाभी कुछ कहना चाह रहे हो? जो पायल बोलती है तो मैं कौन होती हूं? Who is me? Who am I? देखो यार भैया कितने सुंदर बन के आए हो। भाभी क्या प्लान? चल ही रहे अभी तो, काम थक गए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं भाई, बहुत जरूरी रेस्ट करना। शापायल की शादी में तो नाच लेती थी पूरी पूरी रात, अब थोड़ा मुश्किल है। अभी फिर दोबारा नाच? वो डांस कर रहा था ना, थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ रही हूँ। नहीं अभी वो सिचुएशन में नहीं है कि रेगुलर कंटिन्यूसली डांस करे, इंटरवल के बाद आएगी आफ्टर द ब्रेक। अभी फिर नाचना है मतलब? हाँ।